अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज के ब्लॉग आगाज़ करते हैं। इतनी तेज़ हवा चल रही है ना छत पे, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं वीडियो बनाऊँ या ना बनाऊँ, क्योंकि बहुत तेज़ हवा चल रही है और एकदम इतनी डस्ट उठती है। यहाँ पर मैंने व्हाइट गिनी सैंड की शेप्स ना कहे जो कल गई थी मिक्सिंग के बाद, ये देखिए ये मैंने अभी अभी उठा के शेप्स रखी हैं ये वाली। और मैं आपको दिखा, कल जो मैंने डेट्स की बनाई थी ना, क्या कहते हैं, फिलिंग शेप्स फिल की थी, वो देखें क्रैक पड़ गए। यही वजह है जो मैं डेट्स की शेप्स इसमें बनाती हूँ तो क्रैक्स पड़ जाते हैं और फिर मुझे वो शेप्स जो टेक्सचर ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, वो टूट जाता है बीच में, पता नहीं क्या वजह इसके अंदर शेप्स नहीं निकल के आती हैं। और ये यूनिक स्मार्ट की डर्ट पड़ी हुई है, यूनिक स्मार्ट पता चल जाए ना कि रेड क्वीन ने उनकी डर्ट को हाथ लगाया है, तो वो ऊपर आकर मेरी बैंड बजा दे। और उन्होंने भी क्या करने पड़े, ही बड़ा टेक्सचर गीला। कह दूंगी मैं, ये देखिए मैं चेक कर रही हूँ कि इनकी डर्ट कैसी है, सॉफ्ट है कि हार्ड है। तो सॉफ्ट है, डैम्प है था कि भी, प्लीज कोई उनके कमेंट पे चैनल पे जाके मत बता रहा कि रेड क्वीन ने ना आपकी डर्ट को क्रम्बल किया था। बाजी ने मेरी ना आके वाट लगा देनी है। जंग थे, इन्होंने क्या आस करना था? कहेंगी तुमने मेरे टेक्सचर को छेड़ा था। ये रहने दो, ये बहुत हार्ड है और ये डैम्प भी है। खैर मूडी स्मार्ट की शेप्स के कई चंग पड़े थे, मैं दिल चाह रहा था मैं उनको क्रम्बल करूं पर मैंने नहीं किए। और यूजिंग का ही रेड डेड का लिक्विड इसमें पड़ा हुआ है टेक्सचर में, मैं सोच इसकी शेप्स बना दूं कोई। ये देखिए जानी हो गई, बाद में मिलते हैं ठीक है। अच्छा तो ये जो डर्ट्स है ना, इनको हम शेप्स से निकाल लेते हैं ठीक है। शक्ल इनकी बिल्कुल भी प्यारी नहीं लग रही है, बट क्या करें, क्या चक्कर है, आई डोंट नो। निकालो बाजियो, यार ये तो निकल ही नहीं रही। कितनी गंदी निकली है ये देखिए, गुजारा ये अच्छी निकलेगी क्योंकि ये बेशक शक्ल शेप की अच्छी नहीं है पर काम की है भाई, काम की है। देखिए ये मैं कह रही थी कि शेप्स बनाने के लिए ना मैं अच्छी वाली शेप्स बाज़ार से जाके लेकर आऊँगी इंशाल्लाह ताला। मुझे खुद है कि मैं जाऊँ और जाके ना बाज़ार जाके ये शेप्स का पता करूँ मैं। वो जो सिलिकॉन मोल्ड्स होते हैं ना, सिलिकॉन
ये देखें साइड से किनारा टूट गया, तो वो लेकर आऊँगी मैं। वो मैंने देखा कि अच्छे होते हैं लेकिन डर्ट्स के लिए। अच्छा तो मैं दिखा रही थी आपको कि जो ये वाली शेप है ना, ये अच्छी नहीं निकली। ये देखें क्या करूं मैं अब इसका, दोबारा बनाऊं? दोबारा नहीं बना सकती क्योंकि इसको क्रम्बल करके पानी डालना पड़ेगा, उसी में सारा टाइम निकल जाएगा। मुझे वीडियो बनानी है, तो जब ये ड्राई हो जाएंगे ना हम इसकी वैसे क्रम्बलिंग कर देंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद दोबारा से इसको ट्राई करेंगे। फ़िलहाल तो ये टाइम नहीं है इतना कि मैं इसकी इसी तरफ ही लगी रहूँ। खैर एक ये शेप है और इसके अंदर अभी पानी है, ये देखिए। तो ये क्लारा जो है थोड़ा समेट लूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी मैं क्या करने लगी, मैंने शेप ज़रा सी वॉश की है। अब मैं ना ये जो है ना रेड डर्ट, जो मैंने लिक्विड मेरा सॉफ्ट रेड डर्ट है, उस टेक्सचर को ना मैं इन डर्ट्स में फिल करने लगी हूँ। ये देखें ठीक है, ये बहुत ज़्यादा क्रीमी है। नेक्स्ट देखते हैं कौन सी डर्ट जो टिकती है इसके अंदर, कौन सी नहीं। तो ये देखें फिर इसकी भी अगर टांगे टूट गई तो फिर हम कुछ नहीं कह सकते। देखिए इसको बराबर का फील कर देते हैं। चलो जी दूसरी शेप फील करते हैं, वेट इधर से करते हैं। ये कितनी रेड लग रही है, लेकिन उस दिन धूप की रोशनी में वीडियो बनाने से ना रेड कलर लग ही नहीं रहा था कि रेड है। एक्सपीरियंस से ही पता चलता है कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये इतनी वाटरी है, अब मैं ज़रा सा तीसरा जो बाउल है वो भर लेते हैं, ऐसे डालते हैं। वेट तो सर नीचे गिर गया, चलें अब वो भर लेते हैं तीसरा। टैक्सी ना वो लिक्विड ही है, चलो जी सही है। अब एक लास्ट रह गई, मैं वो भर लूँ तक खलाड़ा मच रहा ना इधर, तो मैं वो भर के ना फिर आपको दिखाती हूँ। ये भरने सेंटर शेप्स, मैं देखूँ कि इसकी शेप कैसे बाहर निकल के आती है, ठीक है। तो इसको फील करते हैं, इसको फील करते हैं। चले इसको हाथ से भर देते हैं।
चले। ये मैं कर दिए, फिर ये वाला टेक्सचर में सोचे इसके अंदर ही रंग उसकी पतली सी स्लैब्स बन जाएंगी। ये देखे मैंने सारी शेप्स फिल कर दी हैं, ये देखे। तो ना अब जब इनका रिजल्ट होगा वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, ठीक है। अभी भी थोड़ी सी बची हुई है, वो मैं सोच रही हूँ बाद में देख लूँगी, इसको निपट लूँगी। फिलहाल जो है ना इतना शोर डाला हुआ है बच्चों ने, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं वीडियो कैसे बनाऊँ, बहुत शोर डाला हुआ है। सुनाई दे रहा होगा आपको कितना शोर डाला हुआ इन्होंने। चले वीडियो बनाने की मैं कोशिश करती हूँ, अगर बन गई तो ठीक है, नहीं बनी तो देखा जाएगा क्या करना है। भाई वो बारिश का आज बता रहे हैं और ये बच्चे चुप नहीं कर रहे मेरी वीडियो बिल्कुल, मैं समझ नहीं आ रहा करूँ क्या। बादल भी आना शुरू हो गए अब तो, मुझे कवर पे सब कुछ करना है और ये टर 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 लगाई है बच्चों ने। अगर इनकी आवाज़ें सुनी, ये वो सामने ये छत पे चढ़े हैं, प्रीति दूर है, आवाज़ इनकी इधर तक आ रही है। क्या कर रहे हैं, अच्छा जी मैंने वीडियो बना ली है और बहुत ही मुश्किल से बनी है, मेरा सर दर्द शुरू हो गया इस वीडियो के शोर को बंद कराने के चक्कर में, क्रमिंग तो चक्कर है मेरी। बहरहाल रिजल्ट पता नहीं कैसा आ रहा है, मैंने ग्रेट अप में ही ग्रेट डेड की वीडियो बना दी है क्योंकि ग्रेट डेड लाइट कलर में है और ग्रेट अप जो होता है डार्क कलर में है। मैंने फिर इसी में बना देती हूँ, पहले मैं वाइट में बनाने लगी थी पर मैंने कहा नहीं इसमें बना लेती हूँ। अब मैं इसको किसी चीज़ में डाल कर रख देती हूँ और बारिश को बता रही हूँ तो मैं आज कवर करके सब कुछ जाऊँगी, एक ही एक में कोई ओल्ड डाल दूँगी, ठीक है। कल इंशाल्लाह ताला अगर मौसम सही रहा, बारिश ना हुई, कल आके मैं जल्दी वीडियोस बना लूँगी, आज तो लेट हो गई हूँ क्योंकि मैं ना आज इतने दिनों के कमेंट्स पेंडिंग पे थे, इतने ज़्यादा कमेंट पेंडिंग पे थे तो मैंने उन कमेंट्स का रिप्लाई दिया, क्योंकि आप सबको वेट होता है कि मैं रिप्लाई दूँ, तो मैंने फिर सब कमेंट्स का रिप्लाई दिया अपनी रेड क्वीन स्मार्ट के चैनल की वीडियोज़ का। अब मेरे रह गए व्लॉग चैनल के कमेंट, उधर की कमेंट की रिप्लाई देने मैंने, क्योंकि उधर भी बहुत सारे कमेंट्स जमा हुए, मैंने अभी तक उनका रिप्लाई नहीं दिया, तो उनका भी रिप्लाई इंशाल्लाह दूंगी मैं, देखती हूँ कितने आए हुए मैसेज कमेंट्स वहाँ पे भी, क्योंकि मैं बस व्लॉग डाल रही हूँ, कमेंट्स का मैंने कोई रिप्लाई नहीं अभी दिया। अब आने शुरू होने वाली है मगरिब की। अच्छा जी मैं ना ग्रे डर्ट की ना शिफ्टिंग करने लगी थी इस टब में वफानी के ऊपर, मैंने कहा कि ये व्लॉग में ऐड कर देती हूँ आप लोगों को, पानी के ऊपर शिफ्टिंग करना पसंद होगा, तो चले थोड़ी देर तक करते हैं शिफ्टिंग। मैंने ग्रेडेड ली है उसकी शिफ्ट करते हैं, बहुत डस्ट हो रहा है। वेट अ मिनट, तो जल्दी से शिफ्टिंग करते हैं, ऐसा शोर ना डालो पाप, मैं आराम आराम से करूँगी क्योंकि ना पीछे मुल्तानी मिट्टी पड़ी और उसकी डस्ट उड़ के जा रही है उसमें, तो ये ना उसका कलर ख़राब हो जाए, ठीक है। मैं इसे आराम से करूँगी, डस्ट से ना मुझे भी छींके से आने वाली है।
ना बहुत हो रहा है, तो मुझसे ना इससे डिस्टर्बेंस होती है यू काम के दौरान। ठीक है, और आपको थोड़ा बहुत दिखा देती हूँ, बाकी नहीं पूरा नहीं, क्योंकि भी बहुत लंबी लंबा व्लॉग बन जाता है। और आपको पता है कि जब डस्टी वाला डस्ट काम और डस्ट वाला काम होना, तो मेरी छींकी जो होती है ना वो बस शुरू ही होने वाली होती है। बच्चों की वजह आ रही है, अपने लास्ट टाइम ये रोड करते हैं, फिर उसके बाद में पूरा करने के बाद कंप्लीट आपको दिखाऊंगी। मैं सारा शिफ्ट कर लूँ उसके बाद आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, मैंने सारा टेक्सचर शिफ्ट कर लिया और ये लास्ट पे ये क्रम्बल बचा है। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं शिफ्ट क्यों टेक्सचर कर रही हूँ। इसमें ना ये जो धागे और तिनके और पता नहीं क्या क्या उड़ के चला जाता है टेक्सचर में, मुझे इरिटेशन होती है अपने टेक्सचर के अंदर, वो जब मैं सब देखती हूँ। कोई बच्चों ने इतनी आदत मचाई है ना, और सर में मेरे दर्द हो रही है कुछ है। मैंने ना बच्चों को चुप कराने के लिए ना बड़ा बोला है, तो वो का चुप करा दे, सामने जो पार्टी नहीं चढ़ी थी बच्चों की, वो पतंग चला रहे थे कभी चढ़ा रहे थे, और पता नहीं क्या क्या। ये देखिए मैंने सारा फिक्सर कर लिया क्रम्बल, और ये इसके अंदर से जो फोम और उधर क्या क्या निकला है, और ये देखिए छिलके और क्या गंद निकला है अंदर से, और ये देखिए क्लोजर में आपको दिखा रही हूँ, आपको नजर आ रहा है कचरा बाल। और चलेंगे इसको निकाल के फेंकते हैं बाहर, और अपनी डर्ट को हम मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए सही है, ये देखिए मिक्स करते हुए दिखाती हूँ, थोड़ा बहुत शिफ्ट करते हुए दिखाती हूँ, ताकि फिर उसके बाद लॉक एंड कर देंगे। ओहो, बैटरी लो हो गई मेरी, तो मैं नीचे जाके मम्मा को कुछ भी देखा चाय का बना दी, सर में दर्द हो रही है, चाय पियूंगी शायद इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा, क्योंकि मैं टैबलेट्स जो है ना सर दर्द की नहीं लेती है, बहुत ज़्यादा शदीद दर्द हो रही है ना सर में तब ले लेती हूँ, फिर आंखें खुलती ही नहीं है दर्द से, फिर मैंने अपनी आईज पे आंखों पे जो है ना दुपट्टा बांध लेती हूँ, और फिर थोड़ी देर के लिए सो जाती हूँ, और फिर जब उठती हूँ तो दर्द मेरी ठीक हुई होती है अल्लाह के करम। ये देखिए ज़रा, मैं दूसरा हाथ इसलिए गंदा नहीं कर रही, मोबाइल बंद करना स्क्रीन पूरी मिट्टो मिट्टो हो जाती है। देखिए कितनी नीट हो गई है डैट मेरी, नीट पहले से ही थी, ज़रा सा ही कचरा निकला है, लेकिन शुक्र है। आप देखते हो कि मैं अपनी टेक्सचर को कितना नीट रखती हूँ, तो मुझे ये जस्ट मैं आपको शो करने के लिए नहीं करती, मैं आपको दिखाने के लिए सफाई कर रही हूँ वर्क प्लेस की, मैं आपको दिखाने के लिए टेक्सचर साफ़ कर रही हूँ, नहीं, मुझे खुद सफाई अपनी चीज़ों में रखना पसंद है। इवन कि मैं अगर ना भी दिखा रही हूँ ना, तो भी मुझे अपने काम को नीट और क्लीन रखना ही पसंद है, क्योंकि इससे मुझे खुद को सुकून मिलता है, आप सबको तो देख के मिलता ही है टेक्सचर की साफ़ सुथरी, मेरी वर्क प्लेस साफ़ सुथरी है, ये चीज़ें मुझे खुद
कर के सुकून मिलता है कि भाई हाँ सुकून मिलता है देख के टेक्सचर को, सफाई नीटनेस है। सो ठीक है, ये देखिए मैं आपके सामने पूरी डर्ट मिक्स कर दी, मैं इसको छोड़ दूँगी क्योंकि ये कल तक सेट हो जाएगी। तो मैं इसकी आके शेप्स कट कर लूँगी या कुछ और बना लूँगी शेप्स को। खैर तो अभी के लिए मैं इतना ही आपको दिखा सकती हूँ, मिलेंगे इंशाल्लाह कल के व्लॉग में। बारिशों के सीज़न के बाद फिर सारे टेक्सचर बनाने पड़ेंगे दोबारा से जो टैप में पड़े हैं अभी तक। तो अभी के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा, और इंशाल्लाह कल के व्लॉग में। आज के लिए अल्लाह हाफिज़। और ये हार्ट आपका मेरी तरफ से, नहीं इस तरफ से नज़र नहीं आ रहा, यहाँ आपको नज़र आए, सी दैट, कैन यू सी दैट। एक लोग हैं ना बड़ी ज़बरदस्त बात करती हैं, उनका नाम है मेघ रजनी देस। सॉरी मुझे उनका नाम नहीं आ रहा सही से। इतनी मज़े का बोलते हैं जो भी है इनका, मुझे एग्जैक्ट जेंडर नहीं पता कि गर्ल है कि बॉय है, लेकिन आई थिंक उन्होंने लोगों को हंसाने के लिए अपना कुछ गेटअप इस तरह से किया हुआ है, लेकिन एक्चुअल में मुझे लगता है वो लड़के हैं क्योंकि उनके फेस पे जो दाढ़ी और उसकी जो एक शेव की निशान होते हैं वो फील होता है कि उन्होंने अपनी मूछें और दाढ़ी हुई है, ये जो मुस्टैश जो भी है। तो जब कहते हैं थैंक यू जब उनको कोई उनकी तारीफ करता है तो कहेंगे थैंक यू, और आगे तो कहेंगे कैन यू से दैट। और एक उनकी जो दादी की उनकी लिपस्टिक दे के गई हुई है ना, वो बहुत मज़े का डायलॉग है उनका, बड़ा हालांकि कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी, बड़े मज़े के उनके व्लॉग्स होते हैं और एंटरटेनमेंट से भरपूर होते हैं। तो मैं तो कहती हूँ जब भी मेरा मूड हो तो मैं उनकी कोई व्लॉग देखती हूँ तो मेरी तो चेहरे पर स्माइल आ जाती है। खैर अभी के लिए बहुत बोली, अब कल मिलेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इतनी तेज़ आवाज़ चल रही है, वो देखें इतनी तेज़ बिजली चमकती है, हवा इतनी फुल स्पीड से चल रही है, नज़र भी नहीं आ रहा अभी। फुल हवा, फुल शीट उड़ गई है, देख मेरी शीट सारी उड़ गई है इतनी तेज़ से। ओहो बारिश शुरू हो गई है। अच्छा जी बारिश शुरू हो गई है, शुरू नज़र ही नहीं आ रही, जाली इतनी डस्ट से गद्दी हो गई है, पर आप साउंड सुन सकते हो। सुन रहे हैं आप बारिश की आवाज़, फुल बारिश स्पीडली हो रही है और पता नहीं चीटों का पर क्या हाल होगा, क्योंकि चीटें जो थी उड़ रही थी और कांट रॉल से बाहर थी, बिजली अल्लाह खैर करे भाई। भाई साहब बारिश हुई हुई क्या, कितना गंदा रिजल्ट है, तौबा तौबा, थू रिजल्ट है ये तो बहुत रिजल्ट देखिए आप नाज़रीन कराम, बहुत ही गंदा तरीन रिजल्ट है, पता ही नहीं चल रहा मुझे तो। रिश्तों की फातु ऐसे से कह रही है, फातु उसका नाम क्या था जो तुलसी, भाई जरा सा बूंद गिरती है और वापस वो लोग का बटन में हाथ होता है, नहीं पार्वती नहीं था तुलसी था ऐसे, ये समझे कि ये होते हैं स्विच, हमारा स्विच देखे कितना गंदा वो ऐसे अभी
ऐसे एक बूंद गिरती है बारिश की और बापटा वाले शादी करते ले लो बंद। तुम्हारी तो ऐसे सांस हट गई होती है वाईफाई के अंदर, बंद वाईफाई में भी तुम्हें मसला उठ रहा है, बंद स्टूपिड। चले भाई सुबह ब्लॉग नहीं गया जाके क्या हाल है, बट टेक्स्ट होता कहीं पेस्ट ना बन गया, अल्लाह अपने जमान रखे। बहरहाल बारिश बहुत तेज़ हुई है, अभी भी हो रही है, तो कल जाके देखेंगे।